गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ओम्स लॉ एंड आल्सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू एनी कंडक्टर। Flow of current electronic theory. मेनली सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड कंडक्टर में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका बहुत ही लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद न्यूक्लियस होता है एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन होल सर्फेस ऑफ द बॉडी। Such type of electrons are called free electrons. Free electrons. Only these electrons are responsible for the flow of current through any conductor, any solid conductor. The electrons which have less force of attraction with nucleus and free to move in whole surface of the body is called free electrons. इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब इस बेसिस पर जिन मटेरियल्स में देखिए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग कहेंगे कंडक्टर्स। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जिन मटेरियल्स में नियरली जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको कहते हैं इंसुलेटर्स। इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद न्यूक्लियस, टाइटली बाउंड विद न्यूक्लियस, दे आर नॉट फ्री टू मूव इन द सर्फेस। It means we can say that these materials has no any free electron, that's why it cannot conduct electricity through it easily. So, ये free electron current के flow के लिए responsible हैं, जिनमें large number of free electron होगा conductor होंगे, जिनमें free electron बहुत ही small होंगे nearly zero होगा वो insulator होते हैं। अब इन free electrons का role देखिए क्या है, किस तरह से ये current के flow को maintain करते हैं। इन एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं है अक्रॉस द कंडक्टर, इन एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली अंडर इफेक्ट ऑफ इट्स हीट एनर्जी। इन एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर moving randomly in मतलब जब भी किसी कंडक्टर के क्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना किया गया हो तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं अंडर इफेक्ट ऑफ हीट, अंडर इफेक्ट ऑफ इट्स थर्मल एनर्जी। And velocity is called thermal velocity. इलेक्ट्रॉन की velocity thermal velocity कहलाती है जब वो under effect of heat energy, heat energy की वजह से randomly move करते हैं in absence of external electric field or applied electric field, तो उनकी velocity thermal velocity कहलाती है। देखो थर्मल वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^5 मीटर पर सेकेंड होती है, अगर हम एवरेज वैल्यू स्पीड का फाइंड करें, एवरेज स्पीड, एवरेज थर्मल स्पीड, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^5 मीटर पर सेकेंड। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम मोशन कर रहे हैं, दैट्स वाई द नेट फ्लो थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो,
इसलिए कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करती है। आप ये भी कह सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ थर्मल वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ थर्मल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। मान लो n इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जिनके पास थर्मल वेलोसिटी है u1 u2 u3 u4 इस तरह से करके, तो चूंकि इनके मोशन के डायरेक्शन रैंडम है, कुछ टुवर्ड्स राइट फिर लेफ्ट, कुछ अपवर्ड कुछ डाउनवर्ड, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू जाते हैं और एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, दैट इज ये मान लो इनिशियल वेलोसिटी है u1 u2 u3 डॉट डॉट un अपॉन एन इस इज इक्वल टू जीरो। ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी है जिसका वैल्यू जीरो के इक्वल होता है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रैंडमली मूव करते हैं और ड्यूरिंग रैंडम मोशन दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस। ये जो इनके अंदर जैसे जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया रहता है, ये जो पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं इन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर उनसे इनका फ्रीक्वेंट कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन का, और उसी कोलिजन की वजह से ये अपने कार्डिंग एनर्जी को लूज भी करते रहते हैं। अब जैसे हम लोग ये कंसिडर करें, इफ टाइम elapsed between two consecutive collisions of electrons are tau1, tau2, tau3, tau n, then average रिलैक्सेशन टाइम इज टाउ इज इक्वल टू tau1 प्लस tau2 प्लस tau3 प्लस tau n बाय n। ये जो एवरेज वैल्यू मिलता है इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली कोलिजन होता है और टू कॉन्जिकुटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम गैप है, दैट इज द टाइम इलेप्स बिटवीन टू कॉन्जिकुटिव कोलिजन। इसको अगर हम tau1 tau3 tau n n इलेक्ट्रॉन के लिए कंसिडर कर लें, इनका जो एवरेज वैल्यू होगा उसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। अब यहाँ पर दो चीज समझना है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो एंड दिस वन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये कंडीशन था इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मतलब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करना शुरू करते हैं, मतलब इनके रैंडम मोशन को अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल करता है और मोशन को यूनिडायरेक्शनल कर देता है। यूनिडायरेक्शनल मोशन में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कोलिजन्स और इंक्रीज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे लेट होगा एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, वैसे ही कोलाइड कर जाएगा, ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, फिर धीरे धीरे ऐसे लेट होगा एनर्जी गेन करेगा, फिर से कोलाइड करेगा। इस कोलिजन की वजह से एक्सेलरेटेड मोशन तो गेन नहीं कर पाता, एक कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर पाता है जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं हम लोग, उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझना है। सो नेक्स्ट टर्म इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो किसी इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए एक सेल हम लोग यहाँ करंट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव एंड होगा और ये नेगेटिव एंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन है इधर ऐसे फोर्स एक्ट करेगा, और इसी फोर्स के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन वेलोसिटी से टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, मोशन एक्सेलरेटेड तो है लेकिन ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन काइनेटिक एनर्जी में लॉस भी होता रहता है। एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं।
ड्यू टू इलास्टिक कैन बी डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. VD से रिप्रेजेंट होता है. इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू 10⁻⁴ मीटर, एवरेज वैल्यू इसका 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है. इसके पहले भी थर्मल वेलोसिटी हम लिखे थे, थर्मल स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड उसका, और ये थर्मल ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. अब इसका फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है. फॉर्मूला में देखिए, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है ई, सो फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डी अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस द कंडक्टर, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एड करेगा इलेक्ट्रॉन पर, और इस फोर्स का वैल्यू एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, तो निगेटिव साइन आ जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस E to E, the charge of electron and capital E is applied electric field. E force हो गया, if mass of each electron is m, then acceleration produced in motion. इलेक्ट्रॉन का मास m हो तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा मोशन में, यू नो दिस एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, दैट इज इक्वल टू माइनस e बाय m. जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसे द वैल्यू ऑफ फोर्स माइनस e, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन मोशन विल बी माइनस e बाय m. आई वी नो दैट इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग due to their thermal energy and that initial velocity is called thermal velocity. So if initial thermal velocity of n electrons are u1 U2, U3, UN, and time elapsed between two consecutive collisions are tau1, tau2, tau3. एन इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन का इनिशियल थर्मल वेलोसिटी यू वन यू टू यू थ्री डॉट डॉट यू एन है, एंड टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इलेप्स है इलेक्ट्रॉन का टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री टाउ एन, एंड वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन जस्ट बिफोर कोलिजन, क्योंकि कोलिजन के बाद उनकी एनर्जी में लॉस होता है, जो एक्सेस एनर्जी वो गेन किए रहते हैं, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेट होते हैं, फिर से एनर्जी गेन करते हैं, तो जस्ट बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हीं का एवरेज वैल्यू
ये एवरेज वेलोसिटी लिखा होगा जिसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड वेलोसिटीज गेन्ड जस्ट बिफोर कोलिजन्स आर V1, V2, V3 डॉट डॉट Vn। इन्हीं के वैल्यू फाइंड करने हम लोगों को तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम इन वेलोसिटीज का वैल्यू फाइंड करेंगे और इन्हीं का एवरेज फाइंड कर लेंगे और वही एवरेज वैल्यू कहलाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्योंकि इसी में आएगा इक्वल टू यू प्लस एटी एक्सेलरेशन ऑलरेडी यहाँ नोन है टाइम भी है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को फाइंड करना है। सो यूज इक्वेशन ऑफ मोशन सी है फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन U1 इक्वल टू U1 प्लस 8R1 ऐसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए V2 इक्वल टू U2 प्लस 8R2 मान लो थर्ड इलेक्ट्रॉन है U3 प्लस 8R3 ऐसे ही nth इलेक्ट्रॉन के लिए Vn इक्वल टू UN प्लस A इंटू tau। ये वेलोसिटी हो गई जस्ट बिफोर कोलिजन विद पॉजिटिव आयन दीज आर इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज दिस वन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन मोशन एंड दीज आर टाइम इलेप्स्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजंस जस्ट बिफोर कोलिजन ये टाइम इलेप्स्ड है। सो drift velocity you know drift velocity means average velocity gained just before collision this vd it is equal to v1 plus v2 plus v3 dot dot vn upon n u average value। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये सभी एक साथ ऐड हो जाएंगे u1 plus u2 plus u3 plus un और ये सभी एक साथ ऐड होंगे जिसमें ए कॉमन हो जाएगा मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट UN एक साथ लिख लो प्लस ए इस सेकेंड पार्ट में ए कॉमन ले लीजिए ये हो जाएगा tau1 प्लस tau2 डॉट डॉट tau n ऑल अपॉन n कर। अब देखिए ये सेपरेट करना है इसको अपान एंड और इसके अपान एंड अलग से U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट UN अपान एंड हुआ प्लस A कॉमन tau1 प्लस tau2 प्लस tau3 प्लस डॉट डॉट tau n बाय n। देखिए ये हम लोग एवरेज थर्मल वेलोसिटी है एंड यू नो इट्स वैल्यू इट इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू जीरो एंड दिस वन इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वीडी का क्या वैल्यू हो जाएगा दिस वीडी इक्वल टू 0 प्लस tau that is vd is equal to tau। अब ये का वैल्यू पुट करते हैं यहां से ये का वैल्यू है माइनस e by m सो vd इज इक्वल टू माइनस e tau by m। ये वेक्टर फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू होगी अगर स्केलर फॉर्म में लिखना हो तो नेगेटिव साइन हट जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। सो इन मैग्नीट्यूड वी कैन राइट दिस वीडी इक्वल टू e tau by m। इसी को अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखना हो जैसे देखो ये कंडक्टर है यहाँ अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग सपोज कर ले वी है और लेंथ इसका एल तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू वी अपॉन एल हो जाएगा Applied potential difference is V
length of conductor equal to L, then E equal to लिख सकते हैं V by L, और तब V T का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पर V by L, so that will be E V tau by L into M. तो ये हो गया ड्यूट वेलोसिटी का फार्मूला. ड्यूट वेलोसिटी क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन हो गया. ऑर्डर ऑफ टेंपा माइनस 4 मीटर पर सेकंड होता है. इसका कैसे फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ये डेरिवेशन. तो इसको ड्राइव करो, इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन को ट्राई करो. इससे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, उनको भी चेक कीजिए. रेस्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक्स.